हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट 1A जामुन ट्री. दिस इज़ द थर्ड पार्ट. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट टू पार्ट्स, प्लीज़ गो एंड सी द फर्स्ट टू पार्ट्स. ठीक है, आप जाके सबसे पहले जो फर्स्ट टू पार्ट्स हैं उनको देखें, एंड ये है आपका थर्ड पार्ट है. सो नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट. Somewhat embarrassed, Ricky explained, "You see, this tree is a home for so many creatures that we couldn't bring ourselves to cut it down." "Oh, that's not fair," cried the youngsters together. "What will happen to our Meji?" यहाँ पर जब दोनों भाई पेड़ से नीचे उतरते हैं और पेड़ से नीचे उतरते हैं, अपनी बहनों को वो बता रहे हैं कि हम इस पेड़ को नहीं काट सकते क्योंकि ये बहुत सारे क्रिएचर्स का घर है. उसमें बी हाइव्स लगे हुए हैं और साथ में नेस्ट भी है, तो हम इस पेड़ को नहीं काट सकते. उनमें से जो सबसे छोटी है वो बोल रही है कि ये ठीक नहीं है. अगर अब हमारे मेजी का क्या होगा, अब जो हम लोग मेजी बनाने वाले थे उसका क्या होगा. वेल लेट्स थिंक, सेट जोनक, वी कांट कट द ट्री, दैट्स ऑब्वियस. हाउ वुड वी फील इफ समवन बर्न अवर हाउस डाउन. सेट मॉनपी लुकिंग थॉटफुल. जोनक ने कहा, देखते हैं अब हमको अपनी मेजी के लिए क्या करना है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हम इस पेड़ को नहीं काट सकते. कैसा लगेगा तुम्हें जब जब हमारे घर को कोई आग लगा दे, बर्न कर दे, तो तुमको कैसा लगेगा. मॉनपी कह रही है थॉटफुली देखते हुए. मॉनपी हाँ में हाँ 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 बोल रही है. ठीक है, द फोर ऑफ देम सेट इन द शेड ऑफ द ट्री, leaning against the gnarled trunk. Finally, Ricky spoke, "I think we have to forget our plans for a big meji this year, maybe next year." The four of them, ठीक है, चारों भाई बहन अब उस पेड़ के नीचे में बैठते हैं और सोचते हैं कि उनको क्या करना है. फिर फाइनली Ricky बोलता है कि हो सकता कि हम लोगों को ये जो प्लान है बड़ा बड़ा मेजी, बिग मेजी बनाने का जो प्लान है, वो हम लोग को ड्रॉप करना पड़ सकता है, भूलना पड़ सकता है. हो सकता है हम नेक्स्ट ईयर ये ट्राई करें. जोनक हैड एन आइडिया. लुक, इन आवर क्लास वी हैव अ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट. दे आर गिविंग अस सुबाबुल सैपलिंग्स टू प्लांट इन फेब्रुअरी मार्च. आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम. दिस ट्रीज आर स्पेशली ग्रोन टू बी कट सो दैट ओल्डर ट्रीज कैन बी सेव्ड. जोनक के पास में एक आइडिया आता है. वो बताता है, अपने भाई बहन को बता रहा होता है कि हमारे क्लास में एक सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट हुआ है जिसमें हम लोगों को सबाबुल सैपलिंग्स मिले हैं जिसको प्लांट करना है फेब्रुअरी मार्च में. मैं उसमें से कुछ मुझे देने के लिए कह सकता हूँ ताकि हम उसको ग्रो कर पाएँ. ये जो ट्रीज हैं स्पेशली काटने के लिए ही लगाए जाते हैं ताकि जो पुराने पेड़ हैं उनको बचाया जा सके. Ricky said, "What a good idea, Jonak. Get some saplings. We will plant them along the boundary wall. In 2 years' time, when they are grown, we can cut them down and have a grand meji." ठीक है, फिर Ricky अपने भाई को बोलता है, "What a good idea. बहुत ही अच्छा आइडिया है. तुम कुछ saplings को ले आना, हम उसको प्लांट कर देंगे बाउंड्री वॉल के पास में, और दो साल में जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको काट कर हम एक बड़ी सी मेजी बनाएंगे. When their parents returned, Monpi and Tinky told them about how the jamun tree had nearly become a meji. जब उनके पेरेंट्स वापस घर आए तब मॉनपी और टिंकी ने उन्हें जामुन ट्री के बारे में बताया कि जामुन ट्री किस तरीके से मेजी बनते बनते रह गया. Father smiled, "I'm glad you didn't cut it down. Think what would have happened, you and your friends climb the tree, eat its fruits, play in its shade. If it were not there, in our courtyard and would be silent." फादर ये अपने दोनों बेटियों की बात सुनकर फादर जो है वो स्माइल करते हैं और वो अपने बच्चों से कहते हैं, "मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने पेड़ को नहीं काटा. सोचो तुम और तुम्हारे दोस्त उस पेड़ पर खेलते हो, उसके फ्रूट्स खाते हो, उसके शेड में आराम करते हो. अगर वो नहीं होता तो ये जो बैकयार्ड है, कोर्ट यार्ड है, वो कितना साइलेंट हो जाता."
He stopped for a while, then continued. It takes years and years for a tree to grow, mature, bear flowers and fruits. To cut one down takes just a few hours. Then he smiled and said, "Come, I have brought each of you a gift. They are lying in the backyard." थोड़ी देर के लिए उनके फादर ये बोलते हैं, मतलब अगर वो हमारे बैकयार्ड में नहीं रहेगा उसके तो हमारा जो बैकयार्ड है वो कितना साइलेंट हो जाएगा, बताते हैं। और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए वो बोलते हैं कि किसी भी एक पेड़ को लगाने के लिए, ठीक है, पेड़ को अच्छे से लगाने के लिए और उनको उनको ग्रो करने के लिए, मैच्योर होने के लिए सालों लग जाते हैं और काटने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे लगते हैं। फिर वो स्माइल करते, उनके फादर जो है वो स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं अपने बच्चों से कि यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, वो बैकयार्ड में रखाया है। द फोर यंगस्टर्स रश टू द बैक ऑफ द हाउस टू देयर डिलाइट फोर सैपलिंग्स ईच वन ऑफ जामुन, मैंगो, गुआवा एंड जैक फ्रूट वेयर प्रोप्ड अप इन पॉलीथिन बैग्स अगेंस्ट द बैम्बू फेंसिंग। चारों बच्चे तुरंत घर के बैकयार्ड में जाते हैं जहाँ पर उनका उनका जो गिफ्ट था वो वहाँ पर वेट करता। फोर सैपलिंग्स, एक जामुन का, एक मैंगो का, एक गुआवा का और एक जैक फ्रूट का, चार पेड़। सैपलिंग्स मतलब पेड़ का जो पेड़, सैपलिंग्स मतलब पौधा बोल सकते हैं, ठीक है, पौधे वो उनके फादर उनके लिए लेकर आए थे, एक जामुन का, मैंगो का, गुआवा और जैक फ्रूट का, जो जो कि फेंसिंग, फेंसिंग मतलब उसकी वॉल बाउंड, जो बैम्बू की बाउंड्री है उसके आस उसके पास में पॉलीथीन बैग्स में रखे हुए थे। द चिल्ड्रन लॉस्ट लिटिल टाइम इन डिगिंग फोर होल्स इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द बैकयार्ड एंड प्लांटिंग द सैपलिंग्स। दे प्रोमिस टू वाटर द प्लांट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। इट वुड टेक सम टाइम फॉर द सैपलिंग्स टू ग्रो अप इन टू ट्रीज एंड दिस दे डिसाइडेड दे वुडेंट कट डाउन, दे वुड ग्रो इन टू बिग टॉल ट्रीज, the eucalyptus and sababul they could be cut. That night as the children got ready to go to bed, Jonak said, "We may have a small meji this year, but I am glad we didn't cut the jamun tree." The others nodded happily. अब जो बच्चों को जो गिफ्ट मिला था उस गिफ्ट में उनको सैपलिंग्स मिले थे, वो वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, एक अपने बैकयार्ड के चारों कॉर्नर्स पे होल डिग कर रहे हैं और वहाँ पर अपने सैपलिंग्स को प्लांट कर रहे हैं और वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो अपने इस प्लांट्स को मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों ही टाइम पे पानी देंगे और इनको काटेंगे नहीं। अगर उनको काटना पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ वो सबाबुल और ये प्लांट्स को काटेंगे जो जिनको काटा जा सकता है। इसके बाद में रात में जब वो सोने के लिए अपने बेड पर जाते हैं तब जोनक कहता है कि हो सकता है कि हमें इस बार स्मॉल मेजी जलानी पड़े, स्मॉल मेजी से ये फेस्टिवल मनाना पड़े, लेकिन मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि हमने जामुन ट्री को नहीं काटा। बाकी सारे बच्चे भी इस बात पर अग्री करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए